नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा का सब्जी, वो भी अलग तरीके से, क्योंकि आप लोग खा खा के ऊब गए होंगे अंडा कढ़ी, अंडा आमलेट। तो आज मैं अंडा का सब्जी बनाने वाली हूँ अलग तरीके से कुछ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 4 अंडे ले लिया है, 2 प्याज काट लिया है, 2.5 टमाटर काट लिया है, 1 पूरा लहसुन लिया है, अदरक लिया है। तो चलिए सबसे पहले इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये मैंने प्याज को टुकड़े टुकड़े कट कर लिया है, लहसुन अदरक को भी, टमाटर को भी प्यूर बना लिया है। अब चलिए हम अंडा को, अब इसे हम अंडा को फोड़ेंगे। इसको हम फेंट लेते हैं, 2 को तब तक हम बना लेते हैं। इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। इसमें हम चिटकी भर नमक डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी में नमक पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैं बिल्कुल नाम मात्र के इसमें नमक डाल रही हूँ। और अच्छी तरह से इसको हम फेंट लेते हैं। चढ़ा लिया है, अब इसमें हम तेल हम इसमें लगा देते हैं। ऑमलेट को डाल लिया है, ऑमलेट जैसे बनता है वैसे इसको हम बना ले रहे हैं। इस तरीके से ऑमलेट जैसे मैंने इसको बना लिया है। अब इसको हम दोनों तरफ से पका लिया है। अब इसको हम प्लेट में यहीं पे हम इसको हम फोल्ड करके रख देते हैं, और दूसरा भी हम बनाएंगे। इसी के ऊपर मैंने दूसरा जो मैंने बनाया था उसी के ऊपर मैंने इस तरीके से रख दिया। देखिए इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। अब हम रोल करेंगे इसको उठा के इधर से इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम रोल करते जाएंगे। इसको हम फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से, हम दबाते हुए इस तरीके से हम इसको इस तरीके से दबाते हुए। ये देखिए रोल हो गया। दूसरी तरफ से भी इसको पलट के मैंने कर लिया है। अब गैस को मैंने बंद कर दिया, इसको एक प्लेट में मैंने निकाल ले रही हूँ। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, अब इसमें हम डाल दिया है तेल। मैंने डाला है 4 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे तेजपत्ता, लाल मिर्च। तो इसमें एक मिर्च लाल मिर्च डाल दिया, तेजपत्ता इसमें डाल दे रही हूँ 2, एक और लाल मिर्च डाल दे रही हूँ, और इसमें हम जीरा डाल दे रही हूँ चिटकी पर। इसमें जीरा मैंने डाल दिया है तड़के के लिए, और इसको हम तड़का हल्का ब्राउन हो जाने देते हैं। तड़का हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज लहसुन अदरक जो मैंने साथ में ग्रेट किया था, वो सारे हैं इसमें। हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, जिससे प्याज का कच्चापन निकल जाए। लगातार इसको हम चलाते रहेंगे। अब इसको हम ठंडा हो चुका है, इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं। ये
देखिए अलग अलग है कट कर करके। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया अलग अलग स्लाइसेस दिख रहा है। अब इसको इस तरीके से हम इसे पकड़ के इस तरीके से रख देते हैं। तो मैं अलग अलग पीसेस बना लिया है, ये देखिए अलग अलग पीसेस बना लिया। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अलग अलग पीसेस जैसे लग रहा है ना अलग अलग। अब इसको मैंने कट कर लिया है। अब हम मसाला को देखते हैं। ये प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है, प्याज की खुशबू आने लगी है इसमें। अब इसे हम टमाटर जो मैंने पीस कर रखा था वो टमाटर डाल, टमाटर को भी इसमें मैंने डालकर मिक्स कर लिया है। अब इसे हम मसाले डालेंगे। मसाला में डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर। सभी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें अब हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार से नमक डाल सकते हैं, आप कितना पसंद करते हैं। तो मैं और एक चम्मच छोटा चम्मच डाला है। इसमें हम दो चम्मच पानी डाल देते हैं जिससे अच्छी तरह से ग्रेवी हमारा पक जाएगा और ग्रेवी मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। इसमें मैंने चार चम्मच के लगभग इसमें पानी मैंने डाल दिया है। गैस को लो फ्लेम पर कर देते हैं जिससे मसाला अच्छी तरह से पक जाए। ये इसमें बॉयल आने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे सभी को। टूथपिक सही इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसको हम पका लेते हैं। अच्छी तरह से इसमें ग्रेवी चला जाएगा और अच्छी तरह से ये पक कर थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम सर्व करेंगे। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया ऑमलेट की सब्जी बनकर तैयार है। अंडा ही सही लेकिन अलग तरीके से है और कितना सुंदर और कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।